हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग विलेज लाइफ विद अभिनव प्रताप सिंह व्लॉग के साथ। तो मैं हूँ अपने मामा जी के यहाँ। जैसे आपने देखा, रात में चला था अपने घर से, जैसे भी आपने देखा हुआ सब कुछ वीडियो में। और मौसम तो ठंडा है क्योंकि बारिश, मतलब मानसून आ चुका है। 20 तारीख बता रहे थे और मानसून भी आ चुका है। इधर आप साइड में देख सकते हो लोगों की धान्य लग रही है। मैंने आते हुए देखा था तो काफ़ी लोगों की धाने लग रही थी यहाँ पे। साइड में आप मक्की भी देख सकते हो, लग तो मक्की ही रही है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मामा जी की दुकान पे, मैं घर था। टाइम हो रहा है 9:17 और अब तक वीडियो भी नहीं आई जो आपने देख ली होगी, तो उसे भी फटाफट एडिट करके अपलोड करेंगे। मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ सब कुछ, रिव्यू वगैरह हर चीज़ का दूंगा, बने रहिए। तो आगे नाना जी चल रहे हैं और यह कुछ सिस्टम है यहाँ का। ये साइड में मक्की गोदाम वगैरह आपने जैसे कुछ वीडियोस में पहले देखा होगा। और ये जो आपने थोड़ी बहुत ही जेसीबी वगैरह की वीडियो देखी होगी ना चलती हुई, तो वो सारे यहीं की थी। अभी चलते हैं। मैं वही मामा जी की दुकान में पहुंच चुका हूँ। ये मामा जी सेटरिंग का और रिता बजरी सीमेंट का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वही चीज़ पड़ी होगी यहाँ पे भी। और ये पहले ध्यान दिया हो अगर, जो आपने साइड में कुछ था नहीं, अब साइड में भी काफ़ी कुछ हो आ गया है या हो गया है, देख सकते हो आप। और ये रेता पड़ा हुआ है, ये ऊपर का भी मेरे बाद ही लगा था। सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे करके। अभी मैं यहाँ पे हूँ 10 से 12 दिन। तो एडिटिंग वगैरह मैंने वीडियोज की कर ली है, आपने देख ली होगी, जिसका थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अभी तो टाइम लग ही जाएगा काफ़ी, यानी कि एक और बात बताऊँ, अगर मैं आपको कहता हूँ ना कुछ वीडियो में कि दिखा सकता हूँ या शायद, तो उसे आप थोड़ा उसमें ना लिया करो, क्योंकि एडिटिंग करते वक्त अब मान लीजिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फटाफट बताता हूँ, एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं तो उसमें से हद 10 से 15 मिनट तक की वीडियो शूट की जाती है, जिसे एडिट करने में मुझे कम से कम एडिट से अपलोडिंग करने में 1.5 से 2 घंटा ना आराम से लगता है। तो इससे थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है, लंबी भी बन जाती है और एडिट करने में टाइम लगता है। मेरा फ़ोन 3-4 बार उसमें बीच में हैंग होता है, फिर भी मैं जैसे तैसे करके मतलब कर देता हूँ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वीडियो देख लोगी आपने, आज के लिए इस वीडियो का ज्ञान इतना ही रहा। और थंबनेल आपको दिख गया होगा, नहीं भी दिखता होगा तो माफ़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी घर चलते हैं, फिर नहा धो के मिलते हैं आपको। बारिश का मौसम है इसलिए ना अभी ऑर्डर वगैरह आ नहीं रहे, तो जब ऑर्डर आएंगे तो जरूर दिखाऊंगा। अभी सीमेंट के कट्टे गए थे 5-6, तो उस टाइम पे वीडियो की एक्सपोर्टिंग चल रही थी इसलिए मैं बना नहीं पाया। ये भी मामा जी का ही है रेड़ा। और आप ये देख सकते हो, इनमें से एक दुकान मामा जी ने भी ली है, ये दिल्ली में रहता था कोई, उसने ये जमीन खरीद के बनाया है, काफी सुंदर बना रखा है। और अभी चलते हैं घर। वैसे तो सीधा देख के तो 100-200 मीटर के आसपास रहता है दूर, अगर जो घूम के जाना पड़े तो नहीं 500-600 मीटर पड़ जाता है आराम से। ये मक्की जैसे आपको दिखाई थी लग भी रही है कुकड़ी, काफी अच्छी लंबी वीडियो बन जाएगी है 10-15 मिनट की, आराम से एडिट करके 12 बजे से पहले देखने को आपको मिल जाया करेगी रोज, जितने मैं यहाँ पे हूँ। और जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो उस दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, पर मैं बता दूंगा आपको। और जो वीडियोस के रिव्यू आएंगे, यानी वीडियो के रिव्यू कह रहा हूँ, गाड़ियों के, मिक्सर के, जिस चीज़ का भी रिव्यू आएंगे वे आएंगे मैं जब मामा जी के से घर चले जाऊंगा। बना तो मैं अभी लूंगा, अपलोडिंग भी अभी कर दूंगा, पर मैं डालूंगा मैं बाद में, जो यादें आपको बीच बीच में मिलती रहें, अच्छी 3-4 वीडियो के आसपास बन सकती हैं। तो भाई अभी 2 बज चुके हैं, खाना वगैरह खा चुके,
अभी छत पे आया हुआ हूँ। अब तो ये पहले लास्ट वीडियो में देखा होगा, ये ऐसा कुछ था नहीं, अब तो बनते ही जाते हैं। मैं 1.5-2 साल बाद आया, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया, 1 साल 8 महीने हो गए, और नवंबर में लगा था मैं, क्योंकि मैं जो पिछले नवंबर गया है ना, उससे पिछले नवंबर में आया था। और देख सकते हो आप, और जो शायद मैंने कभी जिक्र किया हो अपनी वीडियोज में कि 70-80 लाख का घर, तो वो ये रहा। मैं भी जूम करता हूँ उस पे, जो आपको दिख रहा है, और थोड़ा सही से नहीं दिख रहा, तो वही 70-80 लाख में बना हुआ है। और ये दो छोटे छोटे यूट्यूबर, नहीं नहीं मैं भी खैर नहीं आई हूँ, मुझे भी सपोर्ट करो और इनको भी। तो भाई मैं खाना वगैरह खा के, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आ गया था अपना छत पे, तो थोड़ी देर तो फ़ोन चलाया 1-1.5 घंटा, फिर फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। अब उठ के चाय वगैरह पी के अपना बैठे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही गर्मी वगैरह की। और 5:20 हो चुकी हैं, तो देखते हैं और क्या क्या जोड़ा जा सकता है इस वीडियो में। अभी मौसम ना थोड़ा बारिश का शुरू हो चुका है, तो शायद ऑर्डर कम आए रेता बजरी मतलब किसी भी चीज़ के, तो इसलिए वीडियो शायद मैं ना बना पाऊँ, पर रिव्यू टाइम से शूट करके आ जाएंगे टाइम टू टाइम। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अभी घूमते हुए वापस से आ गए थे मामा जी और भाई के साथ। अभी ये ऑर्डर जो आपने ओल्ड वीडियोस में मेरी देखा होगा, एक ऑर्डर आया था, खैर एक हिसाब से कहते हैं ना कि आते ही खाता खुल जाना, वो खुल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं तो हूँ आराम से 10-12 दिन यहाँ पे, सब कुछ चीज़ बराबरी से आएंगी। तो फाइनली आज के दिन का तीसरा काम आया है, मैं तीसरा ही शूट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा काम है 20 फुट रेते का, और 2 पता नहीं 1 बोरी सीमेंट का है, तो चलते हैं। तो इतने मामा हम भरते हैं माल, हम इतने बंद कर। इसमें मेरे ख्याल से पहले भी जा चुका था सामान, क्योंकि इसमें लास्ट टाइम बजरी थी और अब रहता हुआ है, और छोटा सा जुगाड़ ठीक है। ज़्यादातर मुंबई वगैरह में, दिल्ली में छोटी छोटी गलियों में पहुँचाने के लिए ना यही होता है। तो इतना कुछ हो चुका है, एक कट्टा भी और गिरेगा, तो ये दूसरा कट्टा भी गिर चुका, अब चलते हैं इसको लेके। तो भाई घर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने अंदर की वीडियो इसने नहीं बनाई, प्राइवेसी है इसलिए बन जाएगी। तो और ये अंदर आप सामान देख सकते हो, इन सारी चीज़ों के ना अलग से रिव्यू आएंगे, 3 तो यारी, 4th टम्पू, और बताया ये भी जा रहा है कि प्लस गाड़ी येरी जो आपको दिख नहीं रही होगी अभी, गाड़ी येरी जिसका भी रिव्यू आएगा जल्दी, और हर चीज मिलेगी बहुत जल्द,
और एक जगह का प्रोग्राम भी बन रहा है, वो भी बताया जाएगा सब कुछ। तो इसको भी जल्दी दिखाया जाएगा, अभी लॉक लगा दिया है। तो अभी घर जाके खाना वगैरह खाएंगे, फिर देखते हैं आगे और करना क्या है।